आपको ले चलते हैं भिवंडी शहर। भिवंडी शहर से एक बड़ी खबर और आ रही है। आपको बता दें कि 5 जनवरी के दिन शुक्रवार के दिन दोपहर के 3 बजे कांग्रेस पार्टी एक भव्य मोर्चा निकालने वाली है शहर के विकास को लेकर कमिश्नर के विरुद्ध में। हम आपको बता दें कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के आयुक्त डॉक्टर योगेश मते के विरुद्ध में एक मोर्चे का आह्वान भिवंडी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष सोहेब गुड्डू ने किया और सभी पार्टी दल के नेताओं को भी इस मोर्चे में शामिल होने को कहा शहर के विकास को दृष्टिकोण से। लेकिन वहीं पर हम आपको बता दें कि आज हमारे चैनल से जुड़े राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भिवंडी पूर्व के युवा अध्यक्ष हारून खान ने आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टियों पे कहा, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता व शहर अध्यक्ष के ऊपर कहा कि अगर उन्हें भिवंडी शहर का विकास का इतनी फिक्र है तो सभी पार्टी दल के लोगों को लेके चलने का जो उन्होंने एक अपने शब्दों में वचन दिया और कहा। लेकिन कहीं ना कहीं भिवंडी पूरे भिवंडी शहर में कांग्रेस पार्टी एक लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। वो किसी पार्टी के बैनरबाजी ना करते हुए स्वतः खुद के बैनर लगाकर शहर की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। ऐसे में भिवंडी शहर में कांग्रेस पार्टी जो कमिश्नर के ऊपर आरोप लगा रही है वो सरासर झूठा है, ऐसा अपने वक्तव्य में हारून खान ने कहा। उन्होंने गंभीरता से आरोप लगाते हुए कहा कि तानाशाह कमिश्नर नहीं भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के महापौर जावेद दलवी कर रहे हैं, ऐसा अपने वक्तव्य में हारून खान जी ने खुद कहा। आइए सुनते हैं क्या कहना है शहर के विकास को लेकर और भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के ऊपर जो 5 जनवरी के दिन मोर्चा आने वाला है उसको लेकर। भाई क्या कहेंगे, गत आने वाली 5 जनवरी के दिन यानी कि शुक्रवार के दिन कांग्रेस पार्टी एक भव्य मोर्चा निकालने जा रही है, विशाल मोर्चा शहर के हित के लिए, शहर के विकास के लिए। कांग्रेस पार्टी ने खुला आरोप लगाया भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के आयुक्त के ऊपर कि शहर का विकास वो नहीं चाहते। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? आपने यहाँ पर हमें बुलाया, क्या जानकारी देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ, कमिश्नर साहब अपनी जगह पे एकदम सही है और ये जो मेयर साहब है इसने खुद तानाशाही और हिटलरशाही कर रहे मेयर साहब और कांग्रेस के लोग, और इन लोग कमिश्नर के ऊपर झूठा का झूठा आरोप लगा रहे हैं और भिवंडी की अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कितना दिन धरना आंदोलन करेंगे? जब इनकी गवर्नमेंट ये अगले 5 साल में 27 नगर सेवक थे, जब ये बेमुद्दत हड़ताल पर बैठ के कुछ नहीं कर पाए, अब तो 47 हो गए, तो ये 47 में भी धरने ही आंदोलन करके खाली पब्लिक को गुमराह करेंगे? हाँ, भिवंडी की अवाम सब जानती है, कमिश्नर अपनी जगह पे एकदम सही है, भिवंडी की अवाम कमिश्नर के साथ है। पहले तो मेयर साहब को मेरा ये रिक्वेस्ट है, जब आपसे कुछ काम नहीं होता होता है तो काम आप राजीनामा दे दो ना, राजीनामा तो हम तुम्हारे साथ हैं मेयर साहब के साथ, राजीनामा नहीं दोगे तो हम डायरेक्ट आपके सामने रहेंगे। कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है आप अपना काम अपने तरीके से करें, किसी की सुने ना। आपको मतलब कैसा, मतलब कैसे क्या आप कह सकते हैं कि कमिश्नर साहब भिवंडी शहर में आए हैं तो काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? और आप जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, इसके पहले भी आपने बहुत से आरोप लगाए उनके ऊपर, ये आरोप लगाने का कारण क्या है? और जो आप कमिश्नर साहब की बाजू ले रहे हैं इसके ऊपर आपको क्या लगता है? कमिश्नर साहब की इसलिए बाजू ले रहा हूँ, कितनी बार मैंने कमिश्नर साहब को खुद फ़ोन किया और मेरा काम हुआ है, तो मैं इसीलिए कमिश्नर साहब की बाजू ले रहा हूँ। आपका काम हुआ लेकिन शहर का काम नहीं हुआ? हाँ, शहर के काम के लिए काम फ़ोन किया ना मैंने, शहर के काम के लिए मैंने फ़ोन किया तो काम ताबड़तोड़ हुआ है। लेकिन ऐसे पे आप कांग्रेस पार्टी को हमेशा टारगेट करते आए हैं, इसके पीछे क्या कारण है? इसके कुछ कारण नहीं है कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी खाली गुमराह कर रही है इसलिए आरोप लगाया जा रहा है इनके ऊपर, जनता के साथ क्यों गुमराह कर रही है? तो आप क्या आने वाले जो 5 तारीख है शुक्रवार का दिन, तो आप उस मोर्चे में भिवंडी शहर के विकास को लेकर उनका समर्थन करेंगे या उनका विरोध करेंगे? मैं कांग्रेस पार्टी का विरोध करूंगा, इनके तो मुंह पे काली पोतने लायक के कांग्रेस वालों के ऊपर, पब्लिक को गुमराह कर रही है भिवंडी की जनता को कांग्रेस पार्टी, इसलिए मैंने इनके मुंह पे काली पोतने का आरोप लगाता हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी वहाँ पर चिल्ला के बोल रही है कि कांग्रेस पार्टी शहर के विकास के लिए लड़ाई लड़ रही है, शहर के विकास के लिए सभी पार्टी को एकजुट होकर उनके साथ में रहना चाहिए। अरे तो कांग्रेस पार्टी खुद ही अपना अकेले का बैनर लगाई और बोलती है हर पार्टी को जुट होकर लड़ना चाहिए, अरे तुम खुद ही तानाशाही कर रहे हो, कोई पार्टी वाले के पास कांग्रेस वाले गए क्या? इनको पहली बात तो कोई पार्टी खड़ी नहीं करेगी अपने बाजू में। क्यों ऐसा क्यों? हाँ, कि ये खुद ही अपने आप के मालिक बनते हैं, मेयर खुद चाहता है कि विकास ना हो। आप ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हो?
मेयर क्यों? 6 महीने में मेयर ने क्या काम किया भिवंडी की जनता के लिए, एक काम बताए। दर्शकों आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।